ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2025 गेट 2026 के लिए उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कुशल सो प्लीज थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए ताकि बच्चों को वो एनलाइटनमेंट मिल सके लास्ट में जाकर जो सीएस का जो बेस जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ये सब बीच में लास्ट में किया तो मैक्सिमम ऑफ द सब्जेक्ट्स आई कवर फ्रॉम द गेट वाला हेलो डियर स्टूडेंट्स सो आज हम हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन करने वाले हैं हमारे पीडब्ल्यूके के एक स्टूडेंट से जिनका नाम है कुशल घोष और उनके गेट 2024 में एप्रोक्सीमेटली 68 मार्क्स आ रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुशल घोष वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस कैसा फील हो रहा है दोस्त कैसा फील हो, आ, हो रहा है कुशल आपको मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है मेरा प्रिपरेशन मैं किया था आ... सात महीने किए हो तो मतलब मुझे लगता है की बहुत अच्छी फीलिंग होगी की छह सात महीने में गेट के अंदर 68, 70 के अराउंड लेकर आना आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है स्टूडेंट के अंदर तो डेफिनेटली आप उसको एन्जॉय कर रहे होंगे सेलिब्रेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं तो वैसे मैं ये पूछना चाहूंगा कुशल घोष जी आप कहाँ से हैं और घर में कौन-कौन है वेस्ट बंगाल का जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है उसमें आरम्भग एक सिटी है टाउन है उसके आसपास का जो विलेज एरिया है उसमें उसमें वहाँ पर मेरा घर है और घर में कौन कौन है मेरा घर पे मेरा पापा मम्मी

बिल्कुल 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 तो आ, कुशल जी मुझे लगता है कि जब हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हर किसी की लाइफ में कई बहुत सारी परेशानियां आती है हम कई चीजों से जूझ रहे होते हैं जब हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको ऐसी कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा अगर आपको बताएंगे तो शायद हमारे दूसरे स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं अगर उनको वो परेशानी आएगी और आप अगर ये भी बता पाए कि आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया डेफिनेटली ये हमारे जो आ, जो स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे गेट so please, थोड़ा सा इसके प्रकाश डालिए ताकि बच्चों को वो एनलाइटेनमेंट मिल सके Actually, uh, मैं, uh, एक, uh, थोड़ा सा पहले से बोलना चाहता हूँ जब ट्वेल्व uh, में था तो Okay. उस टाइम यही मेन भी उतना अच्छा नहीं गया कोविड के वजह से यही एडवांस क्वालिफाई हुआ था लेकिन उतना भी अच्छा रैंक नहीं आया तो उस मैं डब्ल्यू बी जी रहा था उससे उससे मेरे को जलपाईगढ़ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला जिसमें अब मैं थर्ड ईयर में हूँ okay. पीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो तो उससे आकर जो मैं आईटी फील्ड पे आकर मैं थोड़ा सा कोडिंग रडिंग ये सब कर रहा था तो उसके बीच में मेरे को लगा जो ये जो थियोरी वाला सब्जेक्ट है सी का वो मेरे को पढ़ना चाहिए Okay. तो आ, मेरे पहले से के उपर, अपना जो जो, जो से पहले, पहले एक दो दिन और एक, एक वीक मैं देता था जो सी फंडामेंटल्स के लिए वो इंजीनियरिंग वालों का लास्ट नाइट स्टडी वाला एग्जाम गेट का छह सात महीने पहले मैं और मेरे दोस्त जो उम्मेद रहता है हम लोग सोचा जो सी एस फंडामेंटल पढ़ना है तो गेट का तैयारी कर लेते हैं जो होगा थर्ड ईयर में देखा जाएगा अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा चापलेस हो जाएगा जो okay. होता है जो स्टार्ट किया तो लेकिन एक दिक्कत था जो फर्स्ट टाइम एक जो थियोरी वाला पढ़ना होता है बुक पढ़ना होता है डेली लेक्चर अटेंड करना पड़ता है डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है ये जो हैबिट है ना वो चला चला जाता है इंजीनियरिंग आने के बाद जो प्रैक्टिकल काम करता है जो कोडिंग करता है उसमें यह चला जाता है ये नहीं रहता तो मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे को पापा को भी बोला मैं नहीं कर पाऊंगा ये जो पढ़ना डेली पढ़ना डेली बुक पढ़ना डेली लिखना पड़ेगा तो ये नहीं कर पाऊंगा तो so, धीरे uh, धीरे 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 लेक्चर देने के बाद इंटरेस्ट आने लगा थोड़ा सा जो सब्जेक्ट मेरे को आता था मैथमेटिक्स आता था उस सब सब्जेक्ट से शुरू किया तो मैं uh, कोडिंग आता था तो डी डी एस ए डाटा स्ट्रक्चर ये सब से शुरू किया तो उसमें इंटरेस्ट आने लगा लास्ट में जाकर जो सी एस का जो बेस जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ये सब सब्जेक्ट बीच में लास्ट में किया तो okay. उसमें आ, आ, मेरे को फी लाने के बाद में तो मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी और आपने जो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज थे अगर उनके ऊपर पहले आपने काम करके और अपने अपने वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि ये जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है इसके ऊपर मैंने अच्छे से काम कर लिया है तो शायद अब मैं अपने जो वीकर सेक्शन है उनके ऊपर काम कर सकता हूँ और उनको अपना स्ट्रॉन्ग okay. एरिया बनाने की कोशिश कर सकता हूँ और गेट के अंदर जो मुझे डिजायर्ड रिक्वायरमेंट uh, है उनके ऊपर काम कर सकता हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ने ही पड़ेंगे लेकिन हम थोड़ा सा होता है हर किसी के लिए कुछ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट बोरिंग होते हैं कुछ में उनका इंटरेस्ट ही नहीं आता और कुछ लोग के कुछ लोग जैसे आपने बोला मैथमेटिक्स तो जनरली जिन लोगों का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है वो हमेशा सोचते हैं वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं तो मुझे लगता है अगर वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉंग है तो बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर जब वो अपने आपको डुबोने की कोशिश करते हैं तो वो उससे फाइनली तेर करके और बहुत आपका और कोडिंग आप करते ही थे तो आपको कहीं कही ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिज्म की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी तो वो वाली चीज को आपने सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप टूल बनाया और उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपने धीमे धीमे अपनी कमांड इंश्योर करने की कोशिश की तो बहुत अच्छा लगा ये बहुत ही एक राइट स्ट्रेटेजी है क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस का आना बहुत जरूरी है जब तक तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करेंगे तो आपने वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही रास्ता चुना है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग कोटे है सबसे पहले मैं उसके ऊपर काम करता हूँ उसके अंदर कंफर्टेबल हो जाता हूँ और उसके बाद जो मेरे वीकअप सेक्शन है मैं उनके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा ताकि एक जो बेसिक कॉन्फिडेंस चाहिए कि मुझे इतने मार्क्स की प्रिपरेशन तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है वो इंश्योर हो जाए और बाकी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स में बाकी सब्जेक्ट टॉपिक्स जो बटोर सकता हूं उनको बटोर पाऊं तो वेरी गुड स्ट्रेटेजी तो आ, मैं ये और पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आपने गेट वाला के को ज्वाइन किया फिजिक्स वाला गेट वाला को ज्वाइन किया तो गेट वाला ने आपकी प्रिपरेशन में आपको कैसे हेल्प की उसने आपको कैसे पुश किया अपने गोल को अचीव करने की तरफ उसके ऊपर भी थोड़ा सा आ, अगर आप दो पॉइंट्स बोल पाए ओके जैसे मैंने बोला मैं जो इलेवन ट्वेल्व था जेई रेफरेंस के प्रिपरेशन के टाइम मैंने यूट्यूब का जो फ्री वीडियो फिजिक्स वाला कहा वो देखता था मैंने Okay. तो फिजिक्स वाला पहली बार लंच जो इंडस्ट्री के तरह hmm. जो मैं लंच फॉलो किया था और जो मैं जब मैं गेट के लिए शुरू किया मेरे को मेरे को प्रिपरेशन शुरू करना था मैं देखा कुछ कुछ वीडियो देखा मेरे को लगा था जो गेट वाला का जो फ्री वीडियो है मैक्सिमम ऑफ द वीडियोज आर डिसेंट मेरे को समझ आ रहा था yes. तो इसलिए मैंने वो फ्री वीडियो से शुरू किया पहले जो जो जो, जो Uh, 2023 का जो, का जो जो कोर्स सीरीज था, जी, जी, उसमें शुरू किया। तो उसमें जहाँ पर दिक्कत होता था तो वहाँ पर मैं बुक देखता था और कोई फ्रेंड से कर तो तो मुझे मुझसे स्किप हो गया है आप कौन से कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और आ, आ, आप आपका है, ये तो मुझे समझ में आ गया लेकिन आपका बीटेक है मैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ओके सो so, uh, बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर के बहुत ही शानदार आपकी जर्नी रही है और अभी आपका थर्ड ईयर है तो मुझे लगता है कि थर्ड ईयर में आपने जो अच्छी स्कोर अचीव किया है डेफिनेटली आप उसको अपने फाइनल ईयर में और ज्यादा पुश करेंगे और ये जो आप रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको आप सिंगल डिजिट डबल डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली uh, आप वो होता है एक चीज की जब हम थोड़ा बहुत एक बार एक अच्छा सा स्कोर लेकर के आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाता है मुझे लगता है कि आपको भी वो सारे सब्जेक्ट जिनके अंदर आप वीक होंगे उनके अंदर अब आपको और ज्यादा एनर्जी पुश पुट करने का मन करेगा क्योंकि आपको पता है कि यार मैंने एक हाथी निकल गया और पूछ रह जाती वाली जो बात रह जाती है ना आपने वो हाथी निकाल दिया है और पूछ भी निकल ही गई अगर मैं कहूं तो शायद आपकी तो पूछ भी निकल ही गई आप सेम गेट स्कोर के ऊपर शायद किसी ना किसी टॉप आईआईटी के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो लेकिन क्योंकि आपके पास ये एक और एक्स्ट्रा साल अवेलेबल है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपना और एनर्जी इस डायरेक्शन में पुट करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप लेकर के आएंगे गेट 2025 में दैट इज अपने फाइनल ईयर में है ना सो विद दैट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन एंड आई एक्सपेक्ट कि आप अपने लाइफ में जो भी आपने गोल डिसाइड किए हैं जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सारे आप फुलफिल कर पाए और गेट वाला आपके हर जर्नी में पर भी आप चाहेंगे गेट वाला आपकी मदद के लिए आपके साथ चलने के लिए हमेशा तैयार है इसी नोट पे इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूंगा वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन घोष साहब सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड हमारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक गाइडलाइंस देने के लिए कि वो कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थैंक यू सर